सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं एचटीएमएल सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फॉर्म की। फॉर्म के बारे में हमने पीछे दो तीन वीडियो बना चुके हैं हम, ठीक है। कुछ एक इनपुट टाइप्स और थी जिनके बारे में डिस्कस करने वाला था, जो कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, तो स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो टॉपिक है अपना आज का वो है टाइम स्टैम्प के बारे में, जो टाइम और डेट्स वगैरह आपकी आती हैं वो किस तरीके से आती हैं। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम के अंदर हमारा होता है नॉर्मल टाइम होता है, उसके बाद टाइम स्टैम्प में आपका वीक आता है, हफ्ता, फिर उसके बाद आपका मंथ आता है, उसके बाद मान लो एक डेट आती है, ठीक है, डेट करके टाइम स्टैम्प होता है, और उसके बाद डेट टाइम लोकल करके एक, ठीक है, डेट टाइम लगा लो जिसके अंदर डेट और टाइम दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, सबसे पहले करते हैं टाइम के साथ स्टार्ट, ठीक है। टाइम के अंदर आपका क्या होता है, मिनट और घंटे दो ही चीजें होती हैं, ठीक। तो इनपुट टाइप के अंदर अगर हम टाइम सेव कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखो। तो ये आपका है टाइम, ठीक है, इसके अंदर आपका घंटा होगा, इसके अंदर आपका मिनट्स होगा। आप घड़ी पे इस पे क्लिक करोगे, ये देख रहे हो आप घंटे कितने होते हैं दिन में, 24 घंटे होते हैं, है ना। तो यहाँ तक 23 तक जाती है, उसके बाद 24 पे रीसेट हो जाती है, उसके बाद एक से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सेम आपका रहेगा मिनट्स के अंदर। बहुत से फॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको टाइम मेंशन करना होता है, तो वहां पे इसका आप यूज कर सकते हो कि भाई आप 3:08 किसी चीज का आपको टाइम डालना है, तो आपने 3:08 डाल दिया उसके अंदर टाइम और आगे फॉर्म सबमिट कर दिया। उसके बाद आता है आपका वीक, ठीक है। तो वीक के अंदर सेम इनपुट टाइप वीक यूज होगा। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक कर देता हूं मैं इसको यहाँ पे। वीक के अंदर आपका आता है हफ्ता, ठीक है। हफ्ते में आपका आएगा, मान लो आपने अक्टूबर 2000 के अंदर कोई भी वीक सिलेक्ट करना है, तो ये वीक्स आ गए उसके अंदर, ठीक है, ये वीक्स है उसके अंदर। दूसरा आप एक चीज देख रहे हो कि पूरे साल के अंदर इसमें नंबर दिए हुए हैं कि कितने वीक्स हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 अगर सिलेक्ट करें तो देखा जाए तो 53 वीक्स आते हैं, हालांकि चार ही दिन आते हैं वीक के इसके अंदर, ठीक है, 28, 29, 30, 31। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर की एक तारीख होगी यानी जनवरी 2020, वो भी इसी वीक में आएगा, 53rd में, बट क्योंकि कुछ डेज हैं जो 52 वीक्स के बाद भी आ रहे हैं 2020 दिसंबर के, तो उसे 53rd जो है वीक काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी हफ्ता चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईयर पे क्लिक कीजिए, जो भी ईयर चाहिए आपको उसके अंदर, जो भी आपको मंथ चाहिए उसके अंदर का, जो भी वीक चाहिए आप वीक क्लिक कर सकते हो, वीक 23rd 2024, ओके। देन उसके बाद अपनी बात आ जाती है मंथ की, तो मंथ के अंदर इनपुट टाइप भी मंथ होगा, उसके अंदर क्या क्या आपका वो आप देख लीजिए, रिफ्रेश करेंगे मंथ आ गया। मंथ में आपको क्या लगता है क्या होगा, जैसे वीक में हफ्ता आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा प्रॉपर, ठीक है। मंथ कोई भी साल सिलेक्ट करो, 2008 का जून मंथ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इस कैलेंडर से, ओके। उसके बाद अगर हाँ एक चीज और दिख रही है आपको, अगर यहाँ पे आप दिस मंथ पे क्लिक करोगे तो करंट मंथ आ जाएगा आपका, ठीक है, अक्टूबर 2020 चल रहा है। ये आपका क्या होता है, ब्राउजर आपके इस टाइम से सिंक्रोनाइज हो जाता है। अगर ये टाइम अगर ऑनलाइन आपका है, मान लो अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ, तो ऑनलाइन टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होकर ऑनलाइन आपका डेट और जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज करके आपको प्रॉपर एग्जैक्ट डेट और टाइम आज का दिख। उसके बाद बात आती है तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए डेट, मंथ, ईयर, कैलेंडर आ गया, जो नॉर्मल कैलेंडर होता है आप सिलेक्ट कीजिए कोई भी डेट, मंथ, ईयर। ये हमने 17th of May 2021 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, टुडे अगर डालोगे तो आज की डेट सिंक्रोनाइज होकर आज का डेट, आज का मंथ और आज का ईयर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद बात आती है डेट टाइम की, ठीक है। डेट, तो इसका जो इनपुट मेथड होता है वो डेट टाइम होता है, डेट टाइम लोकल की हम बात करेंगे, ठीक है। डेट टाइम लोकल के अंदर क्या होगा, डेट तो आई गया, साथ के साथ आपके पास टाइम भी आ गया, ठीक है। टुडे अगर बात करें तो अभी का टाइम और अभी की डेट आ गई, अभी जो है आज 20th October 2020 है, 1:05 हुआ है दोपहर का, ठीक है। तो ये डेट टाइम आ गया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चूज करना है फॉर्म के अंदर, आपको सबमिट करना है, जैसे होरोस्कोप उंडली उंडली की जो वेबसाइट होती है, तो वहां पे आपको प्रॉपर डेट, टाइम, मंथ, उसका हर चीज मांगी जाती है कि आपका बर्थ कब हुआ था। मान लो आपका सुबह
56 मिनट पे हुआ था, सॉरी ये शाम का है 16:56, तो शाम के 4:56 मिनट पे आपका बर्थ हुआ था 5 तारीख जून 2008 में। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके फॉर्म पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेट के अंदर ना एक मैक्स डेट और मिनिमम डेट करके आती है, ठीक है। उसके अंदर कैलेंडर में क्या होता है मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, डेट में मैक्स, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम डेट आती है आपकी, तो डेट डेट इसके अंदर आता है आपका, मान लो आपको मैक्सिमम आपको करनी है 2020 मार्च का महीना और 12 तारीख, इसको सेव कर लो, ठीक है। रिफ्रेश करोगे ना, ये देखो डेट, मैक्सिमम डेट आपके पास क्या आई है 12 मार्च 2020, यानी मार्च की 2020 के अंदर मार्च की 12 तारीख से आगे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहां पे मिनिमम एज की एलिजिबिलिटी होती है या मैक्सिमम एज की एलिजिबिलिटी होती है कि मैक्सिमम एज आपकी इतनी रहनी चाहिए, मिनिमम एज इतनी रहनी चाहिए, वहां पे ये फंक्शन काम आता है। आपको कोई फॉर्म भरना है जिसके अंदर 12 मार्च के बाद आपको डेट भरने की परमिशन ना हो, 2020 12 मार्च के बाद वो चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या है उसके अंदर आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो कि भाई जो 12 मार्च है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 13-14 नहीं कर सकते, पीछे का आप कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम करके भी एक होता है एट्रीब्यूट, मिनिमम के अंदर आप कुछ भी डाल दो, मान लो आपने डाल दिया 1998, ठीक है, सेम डेट डाल दिया आपने 12 मार्च 1998। तो अब आप इसको जब रिफ्रेश करोगे ना तो अब मिनिमम जो है आप 1998 तक जा सकते हो, ये देखो उससे ऊपर कैलेंडर ही नहीं जा रहा आपका 1998, और मार्च फेब्रवरी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम डेट आपने मार्च की दी हुई है कि मार्च के अंदर तक ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और मार्च की 12 तारीख आपने मेंशन किया साफ साफ कि मार्च 98 जो है मिनिमम है, उससे नीचे आप डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उन केसेस में होती है जहां पे हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें मिनिमम एक मैक्सिमम एज मांगी होती है कि भाई बस आप 18 साल के होने चाहिए, 18 से 19 साल के नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी जो 98 की मार्च में पैदा हुआ वो ठीक है, 98 की फरवरी में जो पैदा हुआ वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरीके की एज से रिलेटेड या टाइम डेट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी जो है वो यहां से सिलेक्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रैक्टिकली आप ट्राई करना मत भूलिएगा वीडियो के बाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।